यहाँ दोस्तों आईपीएल 2022 का खिताब हार्दिक पांड्या ने जीता और अब नीता अंबानी ने उनको एक बड़ा इनाम देते हुए कुछ ऐसा बड़ा बयान हार्दिक पांड्या के ऊपर दिया जिसको सुनने के बाद आप भी जरूर हैरान होने वाले हो। तो दोस्तों आखिरकार क्या बोली नीता अंबानी हार्दिक पांड्या की आईपीएल 2022 में फाइनल जीत पर, वो तो आपको यहाँ पर हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी हमें बताइए कि आपके अनुसार हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में से कौन एक अच्छा कप्तान, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप भी हार्दिक पांड्या की टीम की जीत से खुश हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। जी हाँ दोस्तों आईपीएल 2022 का फाइनल मुकाबला गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच खेला गया, जहां इस मुकाबले में राजस्थान की टीम के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और राजस्थान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 130 रन बनाए और गुजरात की टीम को लक्ष्य मिला 131 रनों का, जहां गुजरात की टीम ने इस मुकाबले को बड़ी ही आसानी से मात्र 19वें ओवर के भीतर ही जीत लिया। तो वहीं दोस्तों गुजरात की टीम ने इस जीत के साथ ही ये बता दिया कि आखिरकार टीम चाहे नई हो या फिर पुरानी, अगर जज्बा अंदर हो तो वो टीम जरूर फाइनल तक पहुंचकर उसे जीत भी सकती है, और ऐसा ही गुजरात ने कर भी दिखाया। तो इसी बीच दोस्तों अब गुजरात टाइटंस की टीम ने इस मैच को तो जीत ही लिया है और हार्दिक पांड्या की कप्तानी में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई टीम मैदान पर पहली साल ही उतरी हो और वो आईपीएल के खिताब को जीती हो। तो ऐसे में दोस्तों हार्दिक पांड्या की टीम की जीत के साथ ही उनके ऊपर तो करोड़ों की बारिश हुई, जहां उनको 20 करोड़ रुपए का इनाम इस दौरान दिया गया। लेकिन दोस्तों इसी बीच अब नीता अंबानी ने भी एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। दरअसल दोस्तों यहां पर नीता अंबानी सामने आती हैं और हार्दिक पांड्या के ऊपर पहले कहती हैं कि मुझे पहले से ही पता था कि हार्दिक ही इस साल आईपीएल का विजेता होगा, मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि हार्दिक की कप्तानी जिस क्रम अनुसार चल रही है उसके हिसाब से आईपीएल का खिताब इस साल वही जीतेगा, और ऐसा ही हुआ। हार्दिक की जीत से पूरी मुंबई इंडियंस और हमारा पूरा परिवार खुश है। हम पहले ही चाहते थे जब हमारी मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल से बाहर हुई थी कि हार्दिक की टीम इस साल आईपीएल का खिताब जीते और वो बताए कि आखिरकार वो किस टीम से आया है। तो वहीं दोस्तों आगे नीता अंबानी बात करते हुए कहती हैं कि हार्दिक ने रोहित से बहुत कुछ सीखा और उसने वो सब सीखकर गुजरात की टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई। मैं चाहती हूँ कि अगली साल मुंबई इंडियंस की टीम में हार्दिक वापस आए और हमारी टीम को भी जिताने में अहम भूमिका निभाए। तो वहीं दोस्तों फिर आगे नीता अंबानी कहती हैं कि मैं अपने वादे अनुसार हार्दिक पांड्या की जीत के बाद अब उन्हें बड़ा इनाम देना चाहती हूँ और ये इनाम हमारी टीम मुंबई इंडियंस की तरफ से होगा। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर नीता अंबानी ने कई करोड़ों का इनाम हार्दिक पांड्या को देकर हर किसी को तो चौंका दिया, लेकिन अब आप सभी क्या मानते हो कि नीता अंबानी ने हार्दिक पांड्या को ये इनाम देकर सही किया या फिर गलत? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।